एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बागपत के ब्लॉक बड़ोद में स्थित इद्रीसपुर गांव पड़ा। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक परिसर से इस गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। ग्रामवासियों ने वर्तमान में कमरुद्दीन को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, जिस जिम्मेदारी को वर्तमान प्रधान द्वारा अच्छी तरह से निभाया जा रहा है। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 500 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 सोलर लाइट भी लगी हुई है तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 52 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 नल रिबोर कराए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, 6 सीसी टाइल्स रोड, स्कूल में मरम्मत कार्य व स्कूल के गेट का निर्माण कराया है तथा वर्तमान प्रधान ने अपनी देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पंचायत घर, पानी की टंकी, बारात घर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, तालाब, कब्रिस्तान की बाउंड्री, शमशान घाट की बाउंड्री, पशु चिकित्सालय, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। कमरुद्दीन इद्रीसपुर जिला बागपत का निवासी है। गांव में मैंने काम कराए, 200 लैट्रिन बनाई, 1 सीसी रोड बनाया, 6 इंटरलॉक लगाई, 1 नाले की मरम्मत काम सफाई कराई, 50 सोलर लाइट लगाई, 35 चैनल लगाए और 35 चैनल लगाए, 40 स्ट्रीट लाइट लगाई, गांव में रास्ते की सफाई कराई। राज्य सरकार से हमारी मांग है, पंचायत घर, पानी की टंकी, बारात घर, चिकित्सालय केंद्र की मरम्मत, खेल का मैदान, तालाब की खुदाई व सफाई, तान व शमशान घाट की चार दीवारी, इनमें नल कूप लगाने का निर्माण, कम से कम भी 500 मीटर का नाला है, उसका निर्माण होना चाहिए।